हाय दोस्तों, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 10 मई 2022 को कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन 2019 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन हो चुका है और कितने नंबर पे अंडर रिजल्ट ओबीसी एसटी एससी और एक्सेसर का सिलेक्शन हुआ है टायर वन टायर टू तो देखते हैं एसएससी के साइट पर हमें। और यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ है, इस लेटेस्ट न्यूज़ पर हम चलते हैं और इस पर क्लिक किया, ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। पीडीएफ जैसे डाउनलोड हुआ और कितने पर आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सब्जेक्टेड डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2019 रिजल्ट ऑफ स्किल टेस्ट ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंड 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2019 वाज डिक्लेयर्ड बाय कमीशन ऑन 28/2/2022 वेरिन 13,088 कैंडिडेट वी आर क्वालिफाइड टू अपियर इन डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन। 13,088 लड़के डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए क्वालिफाई हुए थे और जो डॉक्यूमेंट डीवी हुआ था डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन टायर वन टायर टू टायर थ्री और आपका कैटेगरी वाइज हैं ये, ठीक है। ये वैकेंसीज थी एससी में 631 और कैंडिडेट रिकमेंडेड हुए 631, एसटी में वैकेंसी थी 306 और 306 ही रिकमेंडेड हुए हैं। ओबीसी में 982 कैंडिडेट हैं, 982 और कैंडिडेट रिकमेंडेड है 982। ईडब्ल्यूसी में 469 हैं और रिकमेंडेड भी वो के हुए हैं 429। अंडर रिजल्ट हैं 2,296 और अंडर रिजल्ट हैं 2,296। स्टार लगा रखा है, स्टार का मतलब होता है इंक्लूडेड 37 एससी और 15 एसटी, 505 ओबीसी एंड 190 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट क्वालिफाई एट अंडर रिजल्ट स्टैंडर्ड। टोटल वैकेंसीज थी 4,684 और 4,600 रिकमेंडेड हो गई। ESM 390 थी रिकमेंडेड, OH थी 55, HS थी 57 और VH VH थी 46, PWD अदर थी 26 और 13 अलॉटमेंट हुई, ठीक है। एज पर प्रायोरिटी टोटल मार्क्स ऑफ टायर सेकंड डेट ऑफ बर्थ विथ होल्डर कैंडिडेट। अब ये लेवल थी, कितने लेवल है, लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री लेवल फोर लेवल फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन, कितने लेवल है, 18 लेवल पर जो लेवल है 18 लेवल है और इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं जो सेंट्रल ऑफ इंडिया के बहुत सारे डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसमें आपकी वैकेंसी जॉब है लगेगी और देख लेते हैं। पोस्ट कोड है लेवल 01, कैटेगरी है 0, वैकेंसी थी 7 वैकेंसी और अलॉटेड हुई 7 वैकेंसी हुई। डिटेल ऑफ लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट, लास्ट 239.28740 पर आपका लास्ट सिलेक्शन हुआ है लेवल 01 के लिए और टायर सेकंड है, टायर सेकंड मार्क्स है उसके 58 नंबर मार्क्स आए हैं और डेट ऑफ बर्थ थी भैया की 4 अप्रैल 1995, ठीक। ये लेवल टू, लेवल टू में भी कितना रहा है 245 गई हैं और 62 मार्क्स इनके रहे हैं और इनके लेवल थ्री में भी बताए गए हैं 202 नंबर रहे हैं, लेवल फोर में 240 पर, लेवल फाइव 249.16352, लेवल सिक्स पे हैं 236.33333434, लेवल सेवन है 245.40010 और लेवल एट है 247.465, लेवल नाइन है 239.11680, लेवल टेन है 244.11987, लेवल ट्वेल्व है 147.33540, लेवल थर्टीन है 23.66 और लेवल 14 पर फाइनल सेक्शन हुआ है 244.16641, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भी इनकी कम ही है, लेवल 15 पर ही 255.55142 पर फाइनल सेलेक्शन हुआ है
लेवल 16 पर हुआ है 246.400 और लेवल 18 पर हुआ है 246.84938 और लेवल 19 पर 240.82117, लेवल 21 पर हुआ है 230.17466, लेवल 22 238.4596 पर हुआ है फाइनल सिलेक्शन और लेवल 23 पर हुआ है 248.07004 पर फाइनल सिलेक्शन और लेवल 25 पर हुआ था 277.27.88532 पर हुआ है और लेवल 26 पर हुआ है 219 और नहीं लेवल ये पी लिख रखा है पी है लेवल 26 पी अलोटेड अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल वैकेंसी है हॉरिजॉन्टल वैकेंसी पर अपलोड है। अब देखो जो आपके लेवल 18 तक था वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में है वो देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं डिपार्टमेंट का देख लेते हैं। ये डिपार्टमेंट था लेवल 1 के लिए है, लेवल 1 पर है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बहुत जिसके हाईएस्ट नंबर आए हैं उन्हीं बच्चों को ये डिपार्टमेंट मिलेगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और लेवल 2 पर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ठीक है जो CBN है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, बहुत अच्छी पोस्ट है ये भी। और लेवल 3 पर है सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और लेवल 4 पर है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। लेवल 5 पर है पोजीशन किस डिपार्टमेंट में, लेवल 5 पर जाते हैं कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल और लेवल 6 पर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। लेवल 7 पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन ऑफ फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। लेवल 8 पर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। लेवल 9 पर है आपका पोजीशन रहेगा, लेवल 9 पर क्या किस डिपार्टमेंट आप ज्वाइन करोगे, लेवल 9 वाले कैंडिडेट जितने भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है उनका डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट गंगा रिजुविनेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। और लेवल 10 पे डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। लेवल 11 पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और लेवल 12 पर है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है बहुत अच्छी जॉब है ये भी। और लेवल UPSC से जाते हैं EPFO और लेवल 13 पर है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजिकल। और लेवल 14 पर है इंटेलिजेंस ब्यूरो, लेवल 15 पर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो भी आपका लपसाना है ट्रेनिंग सेंटर पर वहाँ पर बहुत अच्छा है, जो भी जाएगा बहुत सारा IAS कैंडिडेट को देखेगा भैया। और लेवल 16 पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, लेवल 17 पे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, लेवल 18 पर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफिस ऑफ JS और लेवल 19 पर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, लेवल 20 पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और लेवल 21 पर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और लेवल 22 पर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, लेवल 23 पर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट्स और लेवल 24 पर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स और लेवल 25 पे वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और P26 पे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट SPN। ये इतनी पोस्ट थी लेवल 25 तक और P26 थी और ये सब डिपार्टमेंट आपने देख चुकी और फाइनल सिलेक्शन पर आपका PDF आप खुद डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अंडर सेक्रेटरी 10/5/2022 को आपका हुआ था, ये इतने नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और आप भी जो नए कैंडिडेट हैं तैयारी कर रहे हैं ऐसे CHSL की, वो अच्छे से तैयारी करें और वैकेंसी के अनुसार ऐसे CGL की जो एग्ज़ाम दे चुके हैं कैंडिडेट वो भी आप देख लीजिएगा।
और आप अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।